स्टूडेंट्स माई सेल्फ नवनीत भंडारी एंड आई वेलकम यू टू माई चैनल क्वांटम अकेडमी ऑफ फिजिक्स तो बच्चों इस चैप्टर ये चैप्टर कौन सा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इसका आज हम करेंगे पांचवा लेक्चर तो इससे पहले बच्चों हमने क्या किया अब तक एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था फिर लास्ट लेक्चर में उसी सेंटर वाले पॉइंट को हमने एक्सिस पर कहीं दूर भेज दिया और वहाँ पर हमने फिर मैग्नेटिक फील्ड निकाला और ये सब मैं किसकी मदद से कर रहा था बायोसिवेट ला की मदद से है ना जो बायोएट शोड हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर के तो आज मैं बायोसिवेट ला से ही एक और केस में मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा वो केस है एक फाइनाइट स्ट्रेट वायर का तो फाइनाइट स्ट्रेट वायर की जो डेरिवेशन है वो एक्चुअल में सीबीएसई के सिलेबस का पार्ट नहीं है बट इसका जो रिजल्ट है वो सिलेबस का पार्ट है तो बट मैं आपको डेरिवेशन भी कराऊंगा और इस रिजल्ट को हम अलग अलग सीनेरियों में भी पढ़ेंगे तो आप इसको कंप्लीट ही करो और इसको नोट डाउन करना जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ ठीक है हाँ आपको पता ही आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे बट फिर भी कंसेप्ट को समझने के लिए साथ साथ एक बार आप रफ्ली ड्रॉ जरूर किया करो ताकि आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सको तो हम सीनेरियो लेकर चलते हैं बच्चों की मान लो एक वायर है एक स्ट्रेट कंडक्टर है इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है आई ऊपर की डायरेक्शन में है ना सब जगह करंट सेम होगा तो मान लो ये हो गया ए बी कंडक्टर अब इस ए बी कंडक्टर से कुछ दूरी पर मान लो यहां पर एक पॉइंट भी ले लो ये पॉइंट भी देखो आप चाहे सेंटर से लो कहीं मर्जी से लो रैंडमली एक पॉइंट भी ले लो कहीं पर भी ठीक है हम ऐसा मानते हैं कि भाई इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से यहां तक इस पी तक का जो एंगल बन रहा है आ, ऐसे ये जो एंगल बन रहा है ये बन रहा है आपका फाइव वन यहां से ये जो एंगल बन रहा है आपका बच्चों नीचे की तरफ देखो ये बन रहा है फाइव टू यानी कि अगर मैं यहां पर खड़ा होकर नज़र को ऊपर की तरफ घुमाना स्टार्ट करूं तो फाइव वन एंगल से ये पूरा एलिमेंट कवर हो जाता है और यहां पर खड़ा होकर अगर नीचे की तरफ एंगल को घुमाऊं तो देखो जैसे कि मान लो जीरो डिग्री पर मुझे ये दिखाई दे रहा है वन डिग्री पर मुझे ये दिखाई दे रहा है थर्टी डिग्री पर ये दिखाई दे रहा है सिक्सटी डिग्री पर ये दिखाई दे रहा है और शायद एक पर्टिकुलर एंगल पर ये आखिरी एंड भी नजर आ जाए ठीक है तो इसीलिए मैं देखो यहां पर एरो से आपको बता रहा हूं कि देखो इसको अगर मैं जीरो मान लू ठीक है जीरो डिग्री मान लू जीरो डिग्री से मुझे सामने ये नजर आ रहा है अगर मेरी नजर बिल्कुल सामने है तो एक काम करते हैं ऊपर वाला एंगल लेते हम फाइव वन और नीचे वाला एंगल लेते हैं बच्चों फाइव टू ठीक है यहां से लेकर यहां तक का तो इस डायग्राम में अल्टीमेटली मुझे क्या करना है मुझे इस पूरी वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बट मैं क्या करूंगा मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा लेकिन एक तरीके से इंटीग्रेट करूंगा जैसे कि मैं ये बोलता हूं मान लो कि इस पूरी वायर में इस पॉइंट ओ से लेकर मान लो कुछ लेंथ एल नीचे मैंने करंट एलिमेंट मार्क कर लिया ये वाला ये डी ठीक है मैंने यहाँ पर एक डी एलिमेंट मार्क कर लिया और ये यहाँ पर ऐसे इसको मिला दिया और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि भाई अगर मुझे इतने पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मुझे यहाँ तक ऐसे थीटा एंगल तक आना पड़ेगा जीरो डिग्री पर ये और जीरो से लेकर थीटा पर ये पूरा ठीक है अब अगर ये थीटा है आपको पता ये एंगल नाइनटी डिग्री होगा तो इस वक्त देखो ये यह डीएल ऊपर की तरफ है ना डीएल की तरफ ये आपने क्या ड्रॉ कर दिया आपने आर ड्रॉ कर दिया सी डीएल वेक्टर की डायरेक्शन करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी डायरेक्शन ऑफ करंट और यहां से यहां तक आपने क्या ड्रॉ कर दिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अब आपको पता है कि डीएल वेक्टर और आर के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा इस सिनेरियो में ये हो जाएगा 90 माइनस ठीक है तो अगर मैं अभी फिलहाल इस एलिमेंट के लिए बायोटी लगाऊं तो वो क्या होगा बच्चों देखे वो कुछ ऐसा होगा फॉर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये होप कि आपको नजर आ रहा होगा वो आएगा थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं डी डीबी आएगा वो क्या आएगा म्यूनोट बाय फोर पाइ आई डी एल ओवर आर स्क्वेयर एंगल क्या है इस बार देखो 90 माइनस थीटा तो इसलिए लिख रहा हूं यहां पर साइन 90 माइनस थीटा और आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा यकीन नहीं आता तो देखो अगर मैं बोल रहा हूं साइन 90 माइनस सिक्सटी तो उसको आप क्या लिखोगे को सिक्सटी क्लियर साइन थर्टी इसका ये मतलब होगी यानी कि साइन थर्टी और को सिक्सटी की वैल्यू सेम होगी सिमिलरली अगर मैं बोलूं साइन नाइनटी माइनस थर्टी तो उसको आप क्या लिखोगे कोस थर्टी से ये पता लगा कि साइन सिक्सटी और कोस थर्टी की वैल्यू भी सेम होगी राइट right? तो अल्टीमेटली रिजल्ट याद रखो साइन नाइनटी माइनस थर्टी इज इकोल टू कोस थर्टी अब तक आप प्लस टू में आ गए कई बार आपने यूज भी किया होगा तो इसलिए ये रिजल्ट क्या बन गया देखो dB इक्वल टू यूनोट बाय फोर पाई आई डी एल आर स्क्वेर अब देखो यहां से मुझे ना सिर्फ इस एलिमेंट का यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पता लगा है बट मेरा मोटिव तो पूरी वायर को निकालना है अब देखो मैं आपको ये चीज दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं अगर मैं फाइव वन को देखो यहां से यहां पर मूव करूं तो ये पूरे एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है थीटा की हेल्प से अगर मैं यहां से नीचे की तरफ आ जाऊं तो इस फाइव टू की हेल्प से, सारा सारा से अगर आप नीचे नीचे जा रहे हो तो यानी कि जीरो से माइनस फाइव टू तक जाओगे तो इस पूरे एलिमेंट का यानी कि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा जीरो से लेकर आप प्लस फाइव वन तक जाओगे तो आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो तो अल्टीमेटली देखो कहानी क्या है अगर आपको पूरी वायर को कवर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा डीबी का इंटीग्रेशन डीबी का मतलब यानी कि इस पूरे का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बाय पाई को ये देखो कॉस्टेटा कैसे बना ठीक है इस बात का ध्यान रखना आप कहीं बोलो कि सर यहां तो साइन आता है आपने कॉस्टेटा कैसे लगा दिया देखो यहां पर सि सिनेरियो के अकॉर्डिंग नाइनटी माइनसिकली वट साइन नाइनटी माइनसिकली वट कॉस्टेटा अब यहां पर नीचे क्या चल रहा है बच्चों ठीक है अब देखो लिमिट क्या आनी चाहिए अगर मुझे इस पूरी वायर को कवर करना है तो लिमिट क्या आनी चाहिए आपको नहीं लगता कि लिमिट अगर मैं यहां से बी से शुरू करूं तक जाऊं तो लिमिट ये नहीं होनी चाहिए पूरी वायर की माइनस फाइव टू से प्लस फाइव वन देखो माइनस यहां से लेकर यहां तक नीचे तक क्या आपका फाइव टू तो यहां से लेकर नीचे तक आप नीचे की तरफ जा रहे हो तो मैं क्या बोल रहा हूं माइनस फाइव टू और ऊपर की तरफ जा रहे हो तो क्या बोल रहा हूं प्लस फाइव वन राइट right? अगर इसको मैं एक ओरिजिन मान इसको मतलब अगर मैं एक आ, आपको आधार मान लू इसको ऊपर की तरफ देख रहा हूं तो एंगल प्लस में जा रहा है नीचे की तरफ देख रहा हूं तो एंगल नेगेटिव में जा रहा है क्लियर तो इसलिए मैंने क्या बोला माइनस फाइव टू से प्लस फाइव वन के बीच में सारा कुछ कवर हो गया अब प्रॉब्लम यह आती है बच्चों की आपने इंटीग्रेशन तो करनी है थीटा की फॉर्म में लेकिन आपके पास यहां पर एक तो आ रहा है डीएल ठीक है इंटीग्रेशन अगर आप करना चाहते हो तो यहां पर डी थीटा आना चाहिए अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक एंगल इंटीग्रेट क्योंकि देखो यहां से यहां पर क्या वेरी कर रहे हैं एंगल वेरी कर रहे हैं देखो यहां पर एक्चुअल दो चीजें वेरी कर रही है अगर मैं देखू अगर मैं वन डिग्री लूं तो ये एलिमेंट टू डिग्री लूं तो ये वाला एलिमेंट इसको ऐसे समझो जरा ठीक है इसको ऐसे समझते दोबारा ठीक है यहां पर मैं खड़ा हूं अगर मैं यहां पर इस पॉइंट से वन डिग्री लूं तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा जीरो से वन डिग्री में इस पार्ट का आ जाएगा जीरो से थर्टी डिग्री में हो सकता है इतने पार्ट का आ जाए जीरो से सिक्सटी डिग्री में हो सकता है इस इतने पार्ट का आ जाए अच्छा फिर नीचे की तरफ जीरो से माइनस वन डिग्री में हो सकता है इतने पार्ट का आ जाए जीरो से माइनस थर्टी डिग्री में हो सकता है इतने पार्ट का आ जाए तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या एंगल वेरी करेगा तो आंसर है यस yes. अगर एंगल वेरी करेगा तो डीएल को मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर रिप्लेस क्योंकि डीएल का तो कोई काम है नहीं है तो डी ठिट आना चाहिए किसी भी तरह अच्छा और दूसरी चीज क्या वेरी कर रही है ये देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी तो वेरी करेगा यहाँ के लिए आ रहा है अगर यहां पर जाऊंगा तो कुछ और होगा यहां पर आऊंगा तो कुछ और होगा नीचे जाऊंगा तो कुछ और होगा तो अल्टीमेटली यहां पर दो चीजें वेरी कर रही है यहां पर इस पूरे रिजल्ट में दो चीजें वेरी कर रही है इस आर को भी मैं रिप्लेस कर दूंगा क्योंकि दोनों के दोनों इस रिजल्ट के अंदर क्या है बच्चों वेरिएबल है थीटा के साथ दोनों के दोनों क्या वेरिएबल है आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी ठीक है तो इसलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो फिर मैं आगे की कहानी सुनाता हूँ आपको तो बच्चों अब देखो आगे की कहानी में किस तरह से इसको रिप्लेस करने वाला हूं ठीक है तो देखो सबसे पहले ना ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है ये वाला ट्रायंगल जिसमें आपको 90 90 माइनस नाइनटी नाइनटी थीटा एंगल मिल रहा है यानी कि मैं बोल देता हूं आर क्या पी ये वाला ट्रायंगल अच्छा यहां से लेकर पी तक की जो ये स्ट्रेट लेंथ है लेको मेक मान लेते हैं कि ए लेंथ है ये तो फिक्स रहेगी ना इसका तो कोई इतना यूज भी नहीं होगा खैर अभी देखो ये कॉन्स्टेंट है वेरी क्या कर रहा है आर और वेरी क्या कर रहा है थीटा दो चीजें वेरी है आपके पास यहाँ लिख दिया मैंने डी एल वेरी मतलब डीएल को तो रिप्लेस करना है क्योंकि मुझे क्या चाहिए थीटा की टर्म्स में चाहिए सब कुछ और आर यहाँ पर क्या वेरिएबल है ठीक है और थीटा भी वेरिएबल है है ना थीटा वेरिएबल इसलिए मैं डीएल को रिप्लेस कर रहा हूँ क्योंकि अगर डीएल आ गया मान लो इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आप डीएल डॉट डीएक्स को कैसे इंटीग्रेट करोगे दो वेरिएबल आ गए ना इसलिए आप डीएल को किस में कन्वर्ट कर डालोगे एक्स की टर्म में ताकि आपके लिए इजी हो जाए इंटीग्रेशन तो वही चीज मैं करने वाला हूं इस ट्राइंगल में अगर क्वेश्चन देखो तो क्या था बेस बाय हाइपोटेन्यूज़ तो बेस कैसे आइडेंटिफाई करें परपेंडिकुलर ये रहा परपेंड ये हो गया हाईपोर्ट ठीक है के सामने परपेंडिकुलर तो बेस क्या हुआ है बच्चों यहां पर बेस क्या हुआ ए तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं कॉस्ट इज बेस बाई हाईपोर्ट यानी कि ए अपोन में हाईपोर्ट कितना है आर और ये क्या है थीटा अगर आपको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो वो क्या हो जाएगी बच्चों ए अपोन में थीटा लो जी आर तो आपने एक

अच्छा तो यानी कि एल की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों ए टेन थीटा आ गई ए तो कॉन्स्टेंट है अगर यहां पर मैं डी एल बाय डी कर दूं दोनों से डिफ्रेंशिएशन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा ए आपको पता है कि डी बाय डी ठीटा करूँ अगर टेन थीटा का तो वो क्या होगा बच्चों सीकेंड स्क्वायेयर ठीटा राइट तो यहाँ पर क्या जाएगा सेक्स स्क्वायेर ठीटा या सीकेंड स्क्वायेयर ठीठा आप इसको बोल दो तो यानी कि यहां से बच्चों जो डी एल की वैल्यू आएगी निकलकर आई होप कि आपको ये नजर आ रहा होगा मैं यहाँ लिख देता हूँ जो dl की वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या आएगी a secant स्क्वायर थीटा में क्या क्या गया d थीटा अब देखो ऐसा करने से dl रिप्लेस होकर क्या बन जाएगा d थीटा की जगह में आ गया r भी कन्वर्ट होकर एक कोस्टेड की फॉर्म में आ गया अब आपने जो r और dl निकाले बच्चे वो इसके अंदर प्लेस करने पड़ेंगे आपको ताकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ थीटा वेरिएबल रह जाए और उसको इंटीग्रेट कर दो देखो समझो यहां पर मेरा मेन मोटिव था डीएल को एलिमिनेट करना तो डीएल को एलिमिनेट करने के लिए मैंने कहानी क्या कड़ी यहां पर टेन थीटा को एल बाई ए कर दिया यहां पर और डीएल बाई डी टीट करके डीएल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा निकाल दी क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ सिंगल वेरिएबल चाहिए था इंटीग्रेशन करने के लिए ठीक है तो इस कहानी को इतना नोट डाउन करो अब देखो आगे क्या होगा इसके बाद तो अब देखो जो आपने यहां पर एलिमेंट्स निकाले आर की वैल्यू और डीएल की वैल्यू इसमें डालनी स्टार्ट करो देखो एज इट इज लिख रहा हूं माइनस फाइव टू से फाइव वन तक इंटीग्रेशन क्योंकि माइनस फाइव टू से अगर मैं चलूं यानी कि यहां से यहां तक चलूं तो माइनस फाइव टू से फाइव वन में पूरा का पूरा ये लेंथ कवर हो गया ठीक है अब कॉन्स्टेंट को कॉन्स्टेंट चलो वैल्यू लगा देते हैं पहले म्यू नोट बाय फोर पाई लगाओ ठीक है उसके बाद आई लगा दो ठीक है डीएल की वैल्यू देखो ये रही अब डीएल की वैल्यू अपने क्या लगानी है देखो डीएल था ना डीएल की जगह क्या लगाना है आपने ए स्क्वायर थीटा डी थीटा और साथ में क्या है थीटा ठीक है डीएल की जगह क्या आ जाएगा ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा और साथ में क्या है कोस थीटा लगा दिया अच्छा अपॉन में अब अपोन में था आर स्क्वायर तो आर की जगह क्या आएगा ए अपोन में देखो, देखो, देखो जरा मैं कैमरे का थोड़ा सा एंगल भी घुमा देता हूं ताकि व्यू आपको अच्छा मिले ठीक है कहानी बिल्कुल सिंपल है देखो अब अगर मैं इसको प्रैक्टिकली देखू तो ये ए स्कोर है और यहां पर ए है ऊपर है ना तो यानी कि इसके एक ए से ये ए स्क्वायर कट जाएगा यहां से ना इसको साथ साथ लिखो जरा और फिर देखो कि क्या मैं क्या चीज काटने की कोशिश कर रहा हूं इसको रिजल्ट को लिखो और देखो क्या ए से ए स्क्वायर कट रहा है अच्छा तो इसको देखो सिंपलीफाई करके ऐसे लिख रहा हूं मैं म्यूनोट बाई फोर पाई ऊपर से ए खत्म लेकिन आई बचा जो नीचे को स्क्वाठा ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई किससे हो रहा है सीक्वेंस एटीटा और ये कॉस को ऊपर चला गया यहां पर डी ठीटा और साथ में कॉसा भी है

डी थीटा और नीचे है ए सिंपलीफाई होकर क्या आपके पास ये चीज बच रही है इसको ध्यान से देखो जरा बच्चों एक बार रिजल्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और साथ में लिमिट क्या चल रही है लिमिट चल रही है माइनस फाइव टू से प्लस फाइव वन अब देखो यहां पर म्यू म्यूनोट कॉन्स्टेंट है आई कॉन्स्टेंट है फोर पाई कॉन्स्टेंट है ए कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन किसका होना है सिर्फ थीटा और ये हो जाएगा माइनस फाइव टू से फाइव वन ठीक है इंटीग्रेशन को ध्यान से देखो जो मैं कर रहा हूं स्टेप ये वाला बच्चों अब इसके बाद फिलहाल मैं इसको विरब कर रहा हूं ये नोट डाउन कर चुके होंगे आप देखो कहानी क्या बनकर सामने आ रही है आपके पास जो लास्ट स्टेप आएगा देखो इसको अगर मैं सोल्व करूं म्यूनोट आई बाई फोर पाई ए दिस इज थीटा इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस साइन थीटा या प्लस साइन थीटा इट इज प्लस साइन थीटा, राइट और चल रहा है माइनस फाइव टू और ऊपर फाइव वन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूंगा तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा म्यूनोटाई बाय में फोर पाई ए अपर लिमिट यानी कि साइन फाइव वन माइनस लोअर लिमिट यानी कि माइनस ऑफ साइन माइनस फाइव टू राइट right? और आपको पता होना चाहिए बच्चों अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन सोल्व करूं तो साइन थीटा भी क्या होता है साइन थीटा होता है राइट right? इंटीग्रेशन सोल्व करने पर आपको पता होना चाहिए कि जो साँग, अगर साइन माइनस है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं साइन थीटा राइट right? ये टूल भी अपने को आना चाहिए पता होना चाहिए तो जो फाइनल रिजल्ट मिला बच्चों वो क्या मिला म्यूनोट आई बाई फोर पाई ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड फॉर अस्ट्रेट फाइनाइट वायर अब देखेंगे इसका एक स्पेशल केस इसको जल्दी से नोट डाउन करो सारे स्टेप्स ध्यान रखना इंपॉर्टेंट स्टेप क्या अगेन मैं बोलूंगा कि डीएल और आर को यहां पर कन्वर्ट करके लिखना यह चीज जानना जरूरी है क्योंकि ऐसा क्योंकि मुझे सिर्फ सिंगल वेरिएबल चाहिए छीटा मुझे किसी डीएल की जरूरत नहीं है यहाँ पर इसलिए मैंने डीएल को कन्वर्ट कर दिया था जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बच्चो स्टेप बाय स्टेप समझो इसको दोबारा से तो बच्चों अब इसी रिजल्ट को मैं एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए यूज करूंगा ठीक है अब तक तो हमारी वायर फाइनाइट थी तो फाइनाइट वायर के लिए ये रिजल्ट वर्क कर रहा है अब इनफाइनाइट वायर के लिए देखो क्या होगा ठीक है समझ ना जा रहा इस बात को सपोज वी हैव अ वायर विच इज इनफाइनाइट लॉन्ग ये एंड कई दूर इनफाइनाइट है मान लो कि हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक वायर बिछा दी इसका ये एंड भी लेगा इनफाइनाइट पर हम हमको दूसरा एंड नहीं पता अब इसके पास हमने वही अच्छा इस रिजल्ट में आपको पता है कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस सही रिजल्ट हमने ड्राइव किया अब मैं मान लेता हूँ कि भाई ये जो है ये यहां पर पॉइंट पी है और ये क्या है वो इन्फाइनेट डिस्टेंस है मुझे बताना है कि इस पी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एक इन्फाइनेट लॉन्ग वायर के लिए तो देखो जरा ध्यान से अगर मैं एंगल को थोड़ा सा बढ़ाना स्टार्ट करूँ देखो मान लो अगर टेन डिग्री होता तो भाई लो ये ये लाइन ऐसा डलती अब टेन डिग्री से ज्यादा कर दो थर्टी डिग्री कर दो तो ये लाइन ऐसे डलेगी फोर्टी डिग्री कर दो तो लाइन ऐसे डलेगी यानी कि जितना ऊपर जाता रहूंगा उतना एंगल बढ़ता रहेगा अब आपको ये पता है कि अगर एंड कहां पर है तो आप इसके एंड तक ऐसे लाइट को मिला देते थे और आपको पता था कि एंगल फाइव वन है फाइव टू है आप बता सकते थे लेकिन आपको शायद ये पता होगा कि एक कंसेप्ट और है मान लो कि ये बहुत दूर तक जा रही है तो ये शायद हो सकता है ये ऐसे मिलती राइट right. अब आपको एंड तो पता नहीं तो एक कंसेप्ट होता है कि पैरेलल वायर्स मीट एट इंफिनिटी तो यानी कि बच्चों यहां से अगर यहां पर अगर आपको एंगल देखना है तो मान के चलेंगे कि ये जो एंगल बनेगा इट इज ऑलमोस्ट पाई बाय टू एंगल राइट क्योंकि इंफान लॉन्ग है और पॉइंट बिल्कुल क्लोज है तो ये वायर का मतलब इस एंड से अगर मैं देखूंगा तो मेरी गर्दन हमेशा ऐसी रहेगी बिल्कुल ऊपर इस तरह से और ऊपर रहेगी तो ये एंगल कितना बन जाएगा बाय डिफॉल्ट नाइन्टी डिग्री सेम वे में यहां पर अगर मैं इसको मिलाने की कोशिश करूं तो यहां से सॉरी ऐसे देखूंगा ना एरो ऐसे बनाओ यहां से ऐसे एंगल कितना सफटेंड हो जाएगा पाई बाई टू यहां से ये एंगल क्या सब हो जाएगा बहुत दूर है इसलिए वायर ऑलमोस्ट देखो ऐसे नहीं ऐसे पैरल होती जारी, होती जारी। और की वैल्यू क्या है पाई बाई टू फाइव टू की वैल्यू क्या है माइनस पाई बाई टू है ना अगर मैं इसको यहां पर पुट करके देखूं तो जो मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा देखे म्यूनोटाई By फोर पाई ए साइन फाइव वन की वैल्यू कितनी है pi by बीच में प्लस का sign. Sign minus pi by two, है ना साइन फाइव टू की जगह क्या लगा दिया माइनस फाइव बाई टू अभी आपको बताया था कि साइन थीटा क्या होता है साइन uh, थीटा तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिला एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए वो मिला म्यूनोट आई ओवर फोर पाई ए वन प्लस वन साइन नाइनटी वन साइन नाइनटी वन तो यानी कि रिजल्ट क्या मिला बच्चों आ जाएगा यहां पर नीचे क्या है फोर पाई ए कैंसिल करूंगा तो बच्चों जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा म्यूनोट आई बाई टू पाई ए दिस इज अ रिजल्ट फॉर इनफाइनाइट लोंग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ठीक है अब ये देखो कहीं ना कहीं सिमिलर है कंफ्यूजन क्या हो जाएगी जब आपने सर्कल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकाला था तो वो रिजल्ट भी क्या था बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन में टू आर था जहां आर का मतलब रेडियस था अगर ए ले रहे तो ए यहां पर टू पाई ए है तो इस बात का ध्यान रखना क्लियर बच्चों आई होप कि आपको समझ आएगा इंफाइनेट वायर के लिए एंगल पाई बाई टू कैसे बना भाई बिल्कुल गर्दन आपकी ऐसी हो जाएगी अगर आप इसके पास हो वायर के और इन्फाइनइट पॉइंट तक जाते जाते देखो ना ये वायर बिल्कुल ऑलमोस्ट सीधी हो रही है ठीक है तो इसलिए इसको नोट डाउन कर लो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था बच्चों चलो एक केस और बताता हूँ तो अगर ये वायर सेमी इनफाइनाइट होती सेमी इनफाइनाइट का मतलब आपको एक एंड तो पता है कि बिल्कुल आपकी नजर के सामने है और दूसरा एंड कहीं दूर इनफाइनाइट पर है तो यहां पर देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ए ले लो उसी पॉइंट पर ठीक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए ले उसी पॉइंट पर यहां से जब आप इस एंड को देखोगे तो वही एंगल क्या सबटेंड हो जाएगा पाई बाय टू और इस एंड को देखोगे तो आपको बताइए इस केस में आप ये मान के चलो कि जो आपका फाई टू है यानी कि ऊपर वाला एंगल वो है प्लस पाई बाय टू और नीचे की तरफ तो कुछ आपके सामने एंड है तो जो फाइव वन एंगल है वो इस केस में क्या जीरो अगर आप रिजल्ट में लगाओ म्यूनोट आई बाई फोर पाई ए साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू तो आपको क्या देखने को मिलेगा ये यहां पर जीरो पुट करोगे तो जीरो प्लस यहां पर नाइनटी पुट कर दो तो वन तो जो रिजल्ट मिलेगा बच्चों वो यही मिल जाएगा म्यूनोट आई बाय फोर पाई ए दिस इज मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सेमी इनफाइनाइट वायर बच्चों इसको तो भी नोट डाउन कर लो ठीक है रिजल्ट आपको आने चाहिए ये वाले चलो बच्चों एक वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं ठीक है, है? है? तो है, है क्लॉकवाइज मतलब कि अगर मैं बोल दूं कि भाई ये साइड है ए ये है बी मतलब पॉइंट ये है सी ये डी करंट है ए से बी बी से डी सी, सी सी और डी से ए आ रहा है। अगर आपसे पूछो कि वट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ऑल वायर्स ये चार वायर्स की वजह से कितना होगा और डायरेक्शन भी पूछ लू तो आप कैसे करोगे देखो डायरेक्शन तो आपको पता ही है करंट की डायरेक्शन में अपना पाम बाहर की तरफ आ घुमाऊ थे डायरेक्शन तो बाहर की तरफ होगी ये सर्कुलर लूप की तरह ही समझो इसको अब देखो मैं एक काम करता हूं ना अगर साइड इसकी ए है तो देखो इस पॉइंट से यहां तक आऊं और यहां तक आऊं आपको पता है कि ये बीच का एंगल क्या होगा नाइन्टी डिग्री होगा इतना हो पता होगा ना कि स्क्वायर के जो डायगनल्स है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं इससे अगर मैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर गिरा दूँ तो मुझे क्या करना होगा देखो बच्चों एक एंगल मुझे पता लग गया ये है फोर्टी डिग्री और ये वाला एंगल भी क्या होगा फोर्टी डिग्री और डेफिनेटली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है ए बाई है ना अगर साइड ए है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ए बाई टू होगा क्यों ना मैं एक काम करूँ मुझे रिजल्ट पता है कि रिजल्ट कित क्या होता है एक वायर की वजह से एक फाइनाइट वायर की वजह से म्यूनोट फोर पाई साथ में आई नीचे ए ये रिजल्ट लिख रहा हूं मैं साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू ये रिजल्ट मुझे पता है कहीं ना कहीं तो अगर मैं यहां पर अप्लाई करके देखूँ तो ये क्या रहे? आ रहा है म्यूनोट आई अपॉन में फोर पाई ए बाय टू ठीक है साइन फोर्टी फाइव डिग्री प्लस साइन फोर्टी फाइव डिग्री राइट दोनों एंगल फोर्टी फाइव है अब अगर मैं वैल्यू डालू यहां पर तो ये क्या आ जाएगी म्यू नोट आई अपॉन में टू पाई ए साइन फोर्टी फाइव कितना होता है वन बाय रूट टू साइन फोर्टी फाइव कितना होगा अगेन वन बाय रूट टू तो इसको सोल्व करके आपको क्या मिल जाएगा म्यू नोट आई टू पाई ए रूट टू और ऊपर भी टू तो यानी कि यह या आ जाएगा आपके पास म्यू नोट आई अपॉन में रूट टू पाई ए क्या ये रिजल्ट देखो जरा क्या इसमें कोई मिस्टेक लग रही है आपको तो पूरी उम्मीद है कि कोई गलती नहीं है इसके अंदर ठीक है तो ये तो हो गया एक वायर की वजह से ए बी की वजह से है ना दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी अब अगर मैं बोलूं यहां पर कि मुझे चारों वायर्स की वजह से चाहिए तो देखो जो इसके लिए सिचुएशन है वो इसके लिए होगी देखो इसके लिए भी यही बात बन रही होगी ये फोर्टी फाइव ये फोर्टी फाइव बाई टू इसके लिए बात होगी फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव ए बाई टू क्लियर तो आप इस रिजल्ट को अगर से ही मल्टीप्लाई कर दो तो, तो, सारी वायर्स के लिए आ जाएगा ड्यू टू ऑल वायर्स अगर आपको निकालना है बच्चों रिजल्ट तो आप क्या करो इस पूरे को चार से मल्टीप्लाई कर दो येगा म्यूनोट आई रूट टू पाई ए तो रिजल्ट ये ही आएगा आपका म्यूनोट फोर आई अपोन में रूट टू पाई ए दिस इज योर नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर आप डायरेक्शन लिखना चाहो तो डायरेक्शन क्या आएगी आउटवर्ड तो डायरेक्शन मेंशन कर दो डायरेक्शन क्या हो गया ये हो जाएगा वेक्टर फिर क्लियर तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वायर फॉर दिस स्क्वेयर टाइप क्वेश्चन अगेन मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉम्पिटिव लेवल में बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर तो मेरा मेन मोटिव आज का था कि मैं कंसेप्ट आपको सिखाऊ ये वाला अगली वीडियो रहेगी बायोट से बटला की तीनों एप्लीकेशन जो आपको करवाई उस पर हम कुछ पंद्रह बीस न्यूमेरिकल्स करेंगे वो भी बहुत अच्छे लेवल के ठीक है तो आज का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन दे देते हैं आपको इसको नोट डाउन करो पहले सो so बच्चों आज का कमेंट बॉक्स क्वेश्चन आपके सामने है देर आर टू इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर्स और दोनों में करंट इक्वल है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंटी पैरल फ्लो कर रहा है इसमें वायर में जा रहा है अपार्ट राइट आठ सेंटीमीटर की दूरी पर है दोनों के दोनों वायर और आपने बताना है कि अगर मिड पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड थ्री हंड्रेड इंटू टेन डेज टू पावर माइनस सिक्स एसला है मतलब अगर मैं इनके मिड पॉइंट की बात करूं यहां पर दोनों वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है दोनों वायर्स के रिजल्टेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्टेंट है वो 300 हंड्रेड इंटू टेन डेस्टोर माइनस सिक्स टेस्ला है तो दोनों वायर में फ्लो करने वाला जो इक्वल करंट है वो क्या होगा क्या वो दस एम्पियर होगा क्या वो बीस होगा क्या वो पच्चीस एम्पियर होगा क्या वो तीस एम्पियर होगा सो दिस इज योर कमेंट बॉक्स क्वेश्चन आई होप की आज का कंसेप्ट करने के बाद इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी बच्चे को तो इसको आपने आज अभी ट्राई करना है बच्चों और आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि यही हमारा आज का टॉपिक था करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना अगेन मैं बोल रहा हूँ कि डेरीवेशन जो हमने ड्राइव किया है साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू वो आपके डेरीवेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है बट उससे रेलिवेंट क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में आ सकते हैं तो इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं कमेंट बॉक्स क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मिलते हैं लेक्चर में और आपको पता ही कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैलाने के लिए वीडियो को आपको क्या करना है सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बाय टू माई चैनल इन फ्यूचर